ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज परम गुह्य ज्ञान और श्लोक संख्या है 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो कल्प क्या है, सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी भगवान में प्रवेश करते हैं और फिर अगले कल्प के आने पर फिर से उनका उदय होता है, फिर से उन्हें उत्पन्न किया जाता है। तो कल्प वास्तव में ब्रह्मा जी के एक दिन को कहते हैं। जैसे हमारा एक दिन होता है, एक रात होती है, वैसे ब्रह्मा जी का दिन और रात होती है। तो ब्रह्मा जी के दिन को हम कल्प कहते हैं और ये ब्रह्मा जी का दिन वास्तव में बहुत ही लंबा होता है। वास्तव में हमारे 4,30,00,000,000 साल आप मान लीजिए, इतने साल यानी कि 43 लाख लगभग का एक युगा साइकिल होता है और वो युगा साइकिल 1,000 times जब घूमता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। यस, तो ये युगा साइकिल क्या है? ये युगा साइकिल है सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग, और ये जब 1,000 बार बदल जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है जिसको हम कल्प कहते हैं, और फिर ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है जो कि उतनी ही बड़ी होती है, 4,000,000,000 सालों की। तो क्या होता है इस कल्प के अंत पर? तो ब्रह्मा जी का जब दिन समाप्त होता है तो ब्रह्मा जी एक तरह से समझ लीजिए सो जाते हैं। हाँ, और उस वक्त सोए सोए में भी बहुत उथल पुथल संसार में होती है। तो भगवान क्या करते हैं, पूरी नीचे की, ब्रह्मा के नीचे के जो निचले लोग हैं, कुछ ही लोग हैं जो सिद्ध लोग इत्यादि जो बचे रहते हैं, उसके बाकी के सारे लोग समाप्त हो जाते हैं। हाँ, प्रलय आती है, एक तरह से आंशिक प्रलय आती है, क्योंकि ब्रह्मांड समाप्त नहीं होता है, ब्रह्मांड बना रहता है। ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाता है, एक ब्रह्मांड समाप्त होता है। अभी सारे ब्रह्मांड समाप्त नहीं होते हैं, सारे ब्रह्मांड एक साथ समाप्त होते को हमने सुना नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब महाविष्णु श्वास खींचते हैं अंदर तब सारे ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं, और जब श्वास छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार का प्रलय होता है और हर प्रलय के बाद में फिर से क्रिएशन होती है। एक व्यक्ति को बहुत समय दिया जाता है, किसी क्लास में कई बार हम फेल होते चले जाते हैं, फिर से उसी क्लास में फिर से बैठ जाते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर से बैठ जाते हैं। पहली बात तो ये कि ऐसा व्यक्ति को इंटेलिजेंट नहीं कहा जा सकता है जो बार बार एक ही क्लास में अपीयर हो रहा और फेल होता जा रहा है। लेकिन कई बार जब एक लिमिट होती है ना, गवर्नमेंट एग्जाम में भी, हर एग्जाम में भी एक लिमिट होती है, इसके बाद में अब आप नहीं दे सकते जी, माफ़ कर दीजिए जी, आपने इतने एग्जाम ऑलरेडी दे दिए, अब कुछ डिफरेंट कीजिए, कुछ नया कीजिए, अब ये काम दोबारा से करने से काम बनेगा नहीं। तो कई बार इस तरह की परिस्थिति आ जाती है। तो भगवान भी जीवात्मा को बहुत सारे चांस देते हैं। अब देखिए, हमने आपको बताया 4,30,00,000,000 साल भगवान हमें देते हैं, इतने साल में हमारी कितनी बार हम पैदा होंगे, आप सोच सकते हैं कितनी बार हम पैदा होंगे, लाखों बार हम पैदा हो जाते हैं, करोड़ों बार वास्तव में हम पैदा हो चुके थे इतने सालों में। तो जब इतनी बार हम पैदा हो जाते हैं तो उतनी बारों में भी यदि हम अपने रियल नेचर को नहीं जान पाते, हम नहीं जान पाते कि हम बार बार क्यों मर रहे हैं, हम बार बार क्यों पैदा हो रहे हैं, संसार में इतना सारा दुख क्यों है, क्यों हम मिलते हैं, फिर हम क्यों बिछड़ जाते हैं, कहाँ से हम आए हैं इत्यादि, ये कौन है जो इस संसार को चला रहा है, चमत्कार कैसा हो रहे हैं इतने सारे, जब इन प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं मिल पाते, हम भगवान को नहीं समझ पाते, भगवान के साथ हमारे संबंध को नहीं समझ पाते इतने सालों में भी, तब भगवान कहते हैं अब बहुत हो गया, अब इसको बंद करते हैं, थोड़े समय दिमाग से इसको दोबारा से शुरू करते हैं। तो ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, सारी जीवात्माएं जो उस समय तक भगवान के धाम में नहीं जा पाती हैं, हाँ, वो सारी आत्माओं को फिर से
भगवान दोबारा से ब्रह्मा जी के अगले कल्प में फिर से पैदा करते हैं कि अब दोबारा से सृष्टि करी जाएगी, हाँ अब दोबारा से एक बार और ट्राई करो। इस प्रकार से ये पुनरपि जनरम पुनरपि मरणम ये चलता रहता है जीवात्मा। इन बिटवीन इस खेल में जो व्यक्ति पास होता जाता है वो व्यक्ति भगवान के धाम में जाता रहता है, जाता रहता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो समझ जाता है कि ये जो यहाँ पे चल रहा है इसमें एंगेज रहना बहुत इंटेलिजेंट बात नहीं है, इसके बियॉन्ड एक आध्यात्मिक जगत भी है जहाँ पर ये ब्रह्मा जी का दिन, ब्रह्मा जी की रात, ये प्रलय, ये आंशिक प्रलय, ये पूरी प्रलय, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो हमें उस जगह की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो वास्तव में ये 4,30,00,000,000 एक दिन में हमें जो मिलते हैं वो इसलिए मिलते हैं ताकि हम प्रिपरेशन कर सकें भगवान के धाम में जाने की। लेकिन हम लोग ऐसे निखट्टू हो गए हैं, सोचिए इतनी बार एक क्लास में फेल होते हैं हम, हाँ 4,30,00,000,000 बात तो एक ही दिन में, और पता नहीं कितने ब्रह्मा जी के दिन ऐसे बीत चुके हैं और हम इतने नालायक हो गए हैं कि हम बार बार आज तक करोड़ों सालों से फेल ही होते आ रहे हैं, हम इस क्लास से पास ही नहीं हो पा रहे या अटक गए हम लोग। हाँ पहले तो सरकार हमें ऑटोमेटिकली पास करती रही प्राइमरी स्कूल तक, सेकेंडरी स्कूल तक। सरकार ने बोला जी कोई बच्चे को फेल मत करो, 5वीं क्लास तक 8वीं क्लास तक फेल मत करो, लेकिन 9वीं क्लास में आते ही हम लड़के ऐसे लड़के कि उससे आगे ही नहीं निकल पाए। इसका कहने का मतलब है कि जानवर योनि से मनुष्य योनि तक इंसान पास होता, जीवात्मा पास होती आई, जीवात्मा को फेल नहीं कहते भगवान। भगवान कहते हैं जानवर से, इंसेक्ट से लेके, चींटी से लेके मनुष्य बनने तक, एक कीटाणु से लेके मनुष्य बनने तक, सारी योनियों में मैं तुम्हें पास करता जाऊंगा और तुम नेक्स्ट योनि में जाते जाओगे, कोई फेल नहीं होता उसमें। लेकिन मनुष्य योनि में आते ही हम वहीं पर फेल फेल फेल, कई बार इतने फेल हो जाते हैं कि वहां से फिर नीचे जानवर योनि में चले जाते हैं। और इस प्रकार तब तक ब्रह्मा जी का दिन का अंत आ जाता है और हम गर्भोदक साई विष्णु या कारणोदक साई विष्णु के शरीर में जाके वहां सो जाते हैं और फिर से अगली क्रिएशन में हमें डाला जाता है। तो इस तरह समझना चाहिए कि काफ़ी हमारी स्थिति खराब है, हमें समझना चाहिए हमारी स्थिति, हम बहुत ही मूर्ख हैं जो बार बार एक ही क्लास में अटके हुए हैं। तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो यहाँ से निकल जाता है तुरंत। अब सोचने की बात है कि भगवान कितनी व्यवस्था करते हैं हमारे लिए, हाँ इस एक दिन में हमने तो बस कह दिया कि ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तो फिर से हम आ जाते हैं। लेकिन सोचिए हमने सुना था श्रीमद् भागवत में किस प्रकार से 23 तत्व हैं, हाँ 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कर्म इंद्रियाँ हैं, इंद्रियों के विषय हैं, 5 तत्व हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, कैसे इनका मिश्रण है, कैसे भगवान उसमें एंटर करते हैं, कैसे उसमें रिएक्शन होता है, कैसे विराट रूप पैदा होता है, कितना कुछ करना पड़ता है, देवी देवता बनाए जाते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट बनते हैं, सतो तमो रजोगुण डाला जाता है, कितनी व्यवस्था है। इतनी व्यवस्था भगवान क्यों करते हैं? केवल उन लोगों के लिए जो फेल होते जा रहे हैं, जो रिबेलियस, दूसरे शब्दों में जो रिबेलियस है, जो अपना रिबेलियस नेचर को नहीं त्याग रहे हैं, जो भगवान के प्रति शरणागत नहीं हो रहे हैं। ये सुनने में थोड़ा और बुरा लगता है, फेल होने में लगता है ठीक है जी बुद्धि नहीं है, लेकिन वास्तव में बुद्धि ना होना इनफ नहीं है, हम लोग रिबेलियस हैं। भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान प्रखर बुद्धि वालों को ही भक्त बनाते हैं, हाँ उन्हीं को अपनाना चाहते हैं। भगवान तो हर उस व्यक्ति को अपनाना चाहते हैं जो उनके प्रति शरणागति हो जाए, गुरु और वैष्णव के प्रति शरणागति हो जाए, उनकी सेवा करने का बीड़ा उठाए, भगवान के नामों को जपने का बीड़ा उठाए। भगवान कहते हैं उसको बुद्धि मैं दे दूंगा, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति, अगर उस पर बुद्धि नहीं है तो मैं दूंगा, उस पर स्मृति नहीं है, हाँ तो भगवान कहते हैं स्मृति और विस्मृति भी मैं ही देता हूँ, डोंट वरी वो भी मैं ही दूंगा, सब कुछ मैं दूंगा, योगक्षेमम वहाम्यम, उसके सारे बोझ को भी ढो लूंगा, उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर बोलते हैं न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त को घबराने की आवश्यकता नहीं, उसका कभी नाश नहीं होता, इतना कुछ कह देते हैं अलग अलग श्लोकों में। लेकिन केवल कम से कम शरणागति तो करें, अपने आप को तुच्छ माने और भगवान का एक तुच्छ सर्वेंट, भक्तों का एक तुच्छ सर्वेंट माने, जिसके अंदर ईगो, जो कि बुरा नहीं मानता है, जो कि हमेशा हंसता रहता है, भगवान की सर्विस करना चाहता है, थप्पड़ खा के भी हंसता रहता है, बस इतना हिम्मत बन जाए तो भगवान तुरंत उसको अपने धाम में बुला लेते हैं। तो ये इतनी व्यवस्था हमें क्यों करनी पड़ती है भगवान को? ये ब्रह्मा जी का कल्प, ये सारी क्रिएशन, फिर उसका एनाइलेशन, फिर उसकी क्रिएशन, कितना व्यवस्था हमने बढ़ा रखी है, जस्ट बिकॉज वी आर रिबेलियस इन नेचर, हम झुकने को तैयार नहीं, हम भोक्ता बनना ही चाहते हैं, हम कंट्रोलर बनना ही चाह रहे हैं, हम इंजॉयर बनना ही चाह रहे हैं, हम कुछ यहाँ इकट्ठा करना ही चाह रहे हैं, और इस चक्कर में बार बार हम जन्म लेते हैं।
इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन पालन और संघार पूर्णतः भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। हाँ, ब्रह्मा के एक महीने में 30 दिन होते हैं और हर दिन में 4 अरब 30 करोड़ वर्ष हैं दिन में, और फिर उसमें रात है, यानी कि 8 अरब 60 करोड़। हाँ, एक दिन हो गया 24 घंटे का समझ लीजिए, और ऐसे 30 दिन हो गए, 30 है, और उसके बाद में फिर ऐसे एक साल हुआ, और इस प्रकार से निरंतर समय से ये चला आ रहा है। हाँ, पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि फिर से उत्पन्न होती है। यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊँगा, यह वैदिक सूक्ति है। वे इस भौतिक जगत में अपना विस्तार करते हैं और विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। लेकिन जैसा हमने बताया, ये केवल इसलिए भगवान इतनी व्यवस्था करते हैं ताकि उनसे जो दूर व्यक्ति भाग रहा है उसका भी कल्याण कर, नहीं तो भगवान के, आप जानते हैं जितनी जीवात्माएं यहाँ पर हैं, जैसे कि एक सिटी के अंदर एक जेल होता है, अगर माना एक सिटी की जनसंख्या कितनी हो, 10 लाख है, तो जेल के अंदर कितने लोग होंगे, आप क्या सोचते हैं जेल के अंदर कितने लोग होंगे, 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कितने लोग होंगे, अगर उसमें 1 लाख हैं तो समझ लीजिए वो देश का, उस सिटी का तो बेड़ा कर गए, जहाँ 10 लाख की जनसंख्या में 1 लाख लोग जेल में ही पड़े हुए हैं, 10,000 भी बहुत नंबर हो गया। सोचिए कि जेल के अंदर बिगड़ी हुई आत्माएं हमेशा इतनी नहीं होती हैं, अब सोचिए इस संसार में कितनी आत्माएं, असंख्य, ये केवल जेल की तरह है, यानी कि ये कितने 1% मुश्किल से होंगी, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन बहुत ही वेरी मिनिमल नंबर्स, कितनी आत्माएं, शुद्ध आत्माएं भगवान के आध्यात्मिक जगत में हैं ऑलरेडी, तो क्या भगवान को पड़ी है कि हम जैसे रिबेलियस लोगों के बीच में आए, सृष्टि की क्रिएशन करें, फिर यहाँ पर अवतार लें, अपने धाम को यहाँ पे लाएं, धाम की नदियों को, धाम के गोवर्धन पर्वत को यहाँ पे ले जाएं, फिर यहाँ पे सुंदर लीलाएं करें, जस्ट टू सी कि मेरे भक्त फिर भी देख रहे क्या है? सब बकवास है, क्या फालतू में ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ बना रखी हैं, ये सुनने के लिए फिर भी भगवान उसकी ऑक्सीजन की नली को बंद नहीं करते, मेरे बारे में बोलता है ले तेरी ऑक्सीजन बंद नहीं, भगवान इतने दयालु हैं फिर उसको मौका देते हैं। और इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन हमने भी ठान रखी है हम नहीं सुधरेंगे, तो अब हमें जगने का समय आ गया मुझे लगता है। हाँ, क्योंकि इससे पहले कि ब्रह्मा का ये कल्प आ जाए, बड़े बुरे दिन बीत रहे हैं, हम देख ही रहे हैं कलयुग कैसे आता जा रहा है, तो कम से कम इसका फ़ायदा उठाएं और इसी जीवन में पास होकर भगवान के धाम में जाएं, कम से कम एक व्यक्ति की टेंशन तो कम हो। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मति ऐसी आए कि हम उनके भक्तों के प्रति शरणागत हों, भगवान के प्रति शरणागत हों और ब्रह्मा जी के इस कल्प के चक्कर से बाहर निकले। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद्गीता की जय।